और इसी पर ताज़ा अपडेट देने के लिए अजीत इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अजीत, क्या कुछ ताज़ा अपडेट आपके पास इस वक्त? हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद कर रहे हैं लोगों से, ग्रामीणों से, क्या कुछ अपडेट्स? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लालपुर में कार्यक्रम जनसभा के बाद यहाँ पर पकरिया गांव पहुंचे हैं, जहाँ पर कि वो संवाद कर रहे हैं जनजाति समुदाय के जो विभिन्न वर्गों के जो लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं जनजाति समुदाय के, वो यहाँ पर आए हुए हैं। साथ ही यहाँ पर जो स्व सहायता समूह की जो लखपति बहना है, जो दीदियां हैं, वो यहाँ पर आई हुई हैं, जो कि जिन्होंने की अपनी मेहनत से अपना एक मुकाम बनाया है स्व सहायता समूह के माध्यम से, उनसे वो संवाद कर रहे हैं, उनसे वो जानकारी ले रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस मुकाम तक पहुंची है, कौन सा काम वो करती हैं और किस तरीके से वो स्व सहायता समूहों से जुड़ी हैं। इसके अलावा वो उनका अनुभव भी जान रहे हैं कि वो उन्होंने किस संघर्ष से आगे निकल कर वो यहाँ तक पहुंची है और क्या क्या उन्हें फायदा हुआ है और किस तरीके का काम वो अपने स्व सहायता समूह के माध्यम से या दूसरी योजनाओं के माध्यम से वो ट्रेनिंग लेकर या प्रशिक्षण लेकर कर रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर जनजातीय समुदाय के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि क्या परिवर्तन आया है पिछले कुछ वर्षों में उनके जीवन में, किस तरीके से तमाम जो योजनाएं रही हैं केंद्र सरकार की, हम अगर उज्ज्वला योजना की बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, अगर हम प्रधानमंत्री अगर हम ये आयुष्मान कार्ड योजना की बात करें, तो उससे किस तरीके से जीवन बदला है जनजातीय समाज का, और खासतौर पर दूर दराज के जो क्षेत्र के जो जनजातीय समाज के लोग हैं वो किस तरीके से इससे लाभान्वित हुए हैं, जो कि कहीं ना कहीं सरकार की तमाम जो योजनाएं होती थी पहले वहां तक नहीं पहुंच पाती थी या वो वहां तक उस दायरे तक नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन अब वो किस तरीके से इस तमाम जो योजनाएं हैं वो सीधे बेनिफिट तक, जो बेनिफिशरी है उस तक पहुंच रही है और सीधे जो है लाभ मिल रहा है। अब जो हम कह सकते हैं भौगोलिक दूरी जो है वो मायने नहीं रख रही है, यही अपना जो अनुभव जो है वो जनजातीय समाज के लोग प्रधानमंत्री के साथ शेयर कर रहे हैं, उनसे उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। और वो जनजाति समाज के लोग ये भी बता रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में किस तरीके से एक जो पेशा कानून आने के बाद से, जो जनजाति समाज की बहुत पुरानी मांग थी, मध्य प्रदेश में पेशा एक्ट लागू हुआ है, उसके बाद से जो जनजाति बहुल इलाके हैं उनमें किस तरीके से परिवर्तन आया, किस तरीके से उन्हें अधिकार मिले हैं अपनी समस्याओं का निराकरण अपने ही गांव में करने का, अपने ही क्षेत्र में करने का, और किस तरीके से वो छोटी छोटी जो उनकी आवश्यकताएं होती थी, छोटे छोटे जो तमाम मुद्दे होते थे, चाहे जमीन संबंधी हो, चाहे वो कोई छोटे मोटे कोई विवाद हो, उनका निपटारा किस तरीके से पेशा कानून के माध्यम से वो अब अपने गाँव में ही, अपने जो पंचायत में ही कर पा रहे हैं। तो ये तमाम अनुभव देखिए वो शेयर कर रहे हैं यहाँ पर जो लोग हैं। और एक ग्रुप यहाँ पर और है जो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो शहडोल संभाग है वहां पर एक योजना चल रही है जिसमें कि जिसका नाम दिया गया है फुटबॉल क्रांति। इस संभाग में करीब 1000 छोटे छोटे क्लब बनाए गए हैं फुटबॉल खिलाड़ियों के, जो कि फुटबॉल खेलते हैं, जनजातीय समुदाय के बच्चे जो है वो फुटबॉल खेलते हैं और वो फुटबॉल खेलकर काफी अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, कई जो जो प्लेयर्स हैं वो आगे नेशनल लेवल भी गए हैं। तो इस तरीके से वो किस तरीके से ये फुटबॉल जो है वो जो बच्चे जो है कैसे उससे जुड़े हैं, किस तरीके से वो फुटबॉल के माध्यम से वो उन्होंने अपना जीवन बदला है और आगे वो किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं खेलों के क्षेत्र में, और जनजाति बहुल इलाके में एक फुटबॉल जैसे खेल को लेकर आगे बढ़ना, खेलना, और 1000 से ज्यादा क्लब ये पूरे क्षेत्र में, पूरे संभाग में जो जनजाति क्षेत्र है वहां पर ये संभाग में ऐसे क्लब बनाए गए हैं छोटे छोटे, जिसमें की लड़के लड़कियां जो है गाँव के जनजाति समाज के वो फुटबॉल खेलते हैं और फुटबॉल की तरफ उनका एक रुझान जो है पहले की अपेक्षा काफी बढ़ा है। तो ये देखिए प्रधानमंत्री यहाँ एक बहुत ही कैजुअल तरीके से, बहुत ही परिवार के सदस्य की तरीके से यहाँ संवाद कर रहे हैं लोगों से, बीच में थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी उनका चल रहा है, कई लोग अपने अपने अनुभव बताते, कई लोग इमोशनल भी हो जा रहे हैं, कई लोग कई बार प्रधानमंत्री कुछ बात पे चुटकी भी लेते हैं तो लोग हंस पड़ते हैं। तो मतलब एक बड़ा ही परिवार का माहौल यहाँ पर है इस समय, और जैसे कि कोई बड़ा बुजुर्ग जो होते हैं वो अपने परिवार से संवाद करते हैं, अपने परिवार से उनकी तकलीफों के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनके जीवन यापन के बारे में जानकारी लेते हैं, वैसा ही माहौल यहाँ पर इस समय है। और पकरिया गाँव आज जो है प्रधानमंत्री को यहाँ पर पाकर अभिभूत है, यहाँ पर जिस तरीके से लंबे समय से प्रधानमंत्री का यहाँ इंतजार किया जा रहा था। और देखिए मैं एक बात देखने में आ रही है कि जो यहाँ पर जो लखपति दीदियां हैं वो खुलकर अपनी बात कर रही हैं प्रधानमंत्री से और अपने अनुभव साझा कर रही हैं। कई दीदियां जो थी वो पहले घूंघट में रहा करती थी घर में, उनकी कोई हिस्सेदारी जो है आर्थिक रूप से नहीं होती थी, लेकिन कई ऐसे उदाहरण भी है यहाँ पर
जिनमें की जो स्व सहायता समूह के माध्यम से इन महिलाओं ने अपने आप को तो आर्थिक रूप से सक्षम बनाया ही है, साथ ही परिवार के अपने पति को या अपने परिवार के किसी सदस्य को उन्होंने हेल्प करके उसको भी रोजगार मुहैया कराया है दूसरे माध्यम से। तो एक बहुत बड़ी बात है कि ग्रामीण क्षेत्र में, जनजातीय क्षेत्र में एक महिला जो है वो खुद तो स्वावलंबी बन रही है, खुद तो स्वरोजगार कर रही है, उसके बाद वो अपने परिवार के किसी व्यक्ति को भी वो स्वरोजगार के लिए प्रेरित करके उसको रोजगार करा रही है। यही सब अनुभव जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री से जो स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं जो लखपति दीदी के नाम से जानी जाती है क्षेत्र में, जो कि वो लाखों रुपए जो है वो उनका टर्नओवर रहता है जो वो काम करते हैं, चाहे वो दोने पत्तल बनाने का काम हो, सिलाई का काम हो, राजमिस्त्री का काम हो या दूसरे अन्य जो काम है वो करती है, वो समूह में करती है, और ये समूह की भावना ही उनको आज लखपति दीदी के रूप में पूरे क्षेत्र में वो जानी जाती है, पूरे गाँव में जानी जाती है। और प्रधानमंत्री से बहुत ही सहजता के साथ वो अपनी तमाम बातें जो है वो शेयर कर रही हैं, और प्रधानमंत्री भी सबको मौका दे रहे हैं। एक बहुत ही एक अच्छा दृश्य आया जब प्रधानमंत्री, बहुत ही भावुक दृश्य आया जब प्रधानमंत्री एक महिला के पास एक छोटा सा बच्चा था, प्रधानमंत्री उसे दुलार कर रहे थे, उस बच्चे ने प्रधानमंत्री की उंगली पकड़ ली और वो छोड़ नहीं रही थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्या चलो मेरे साथ दिल्ली चलो, तो सब हंसने लगे और वो बिटिया बहुत प्रेम से प्रधानमंत्री की तरफ देख रही थी। तो एक बहुत ही भावुक करने वाला भी एक पल हम कह सकते हैं कि इस तरफ एक परिवार के मुखिया से मुखातिब हो रहे हैं, लोग काफी भावुकता से संवाद कर रहे हैं प्रधानमंत्री से, काफी अपनेपन से संवाद कर रहे हैं, एक परिवार के मुखिया की तरह लोग प्रधानमंत्री से रूबरू हो रहे हैं, उनसे एक बहुत ही सहजता के साथ अपनी तमाम जो बातें हैं वो शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से तमाम जो योजनाएं रही हैं उनका कितना बड़ा योगदान रहा है उनके जीवन को बदलने में, उनके गांव की तस्वीर को बदलने में, उनके आसपास के क्षेत्र की तस्वीर बदलने में, और ये संवाद जो है लगातार जारी है। प्रधानमंत्री बीच में थोड़ा टिप्स भी दे रहे हैं और उनको उनको बता रहे हैं, कुछ सलाह भी दे रहे हैं प्रधानमंत्री किस तरीके से वो और बेहतर काम कर सकते हैं, किस तरीके से जो तमाम जो योजनाएं चल रही हैं उसमें किस तरीके से भागीदारी कर सकते हैं, और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रधानमंत्री मोटिवेट भी कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं और उनको एक तरीके से आगे बढ़ने की प्रेरणा भी लगातार दे रहे हैं। बहुत ही अनौपचारिक तरीके से यहाँ पर संवाद चल रहा है और प्रधानमंत्री लगातार जो है वहाँ पर घूम घूम कर जो है वो सभी जो वहाँ पर प्रतिनिधि उपस्थित हैं, सभी वहाँ पर जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, जनजाति समाज के जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो कि पंचायत से लेकर ब्लॉक तक के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे वो संवाद कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और उन्हें प्रेरित कर रहे हैं कि वो खुल के अपनी बात कहें, कोई हिचक, कोई उनके अंदर कोई ऐसी भावना ना रहे, वो खुल के अपनी बात कहें, संवाद कहें, और बिल्कुल बहुत ही सहज तरीके से यहाँ पर जो है वो संवाद जारी है। देखिए महिलाएं जो है बहुत ज्यादा महिलाएं यहाँ बड़ी संख्या में हैं जो कि स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, वो लगातार अपनी बात रख रही हैं। इसके अलावा जो जनप्रतिनिधि हैं जनजातीय समुदाय के वो यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं, और जो अभी जो फुटबॉल के जो प्लेयर्स हैं जिसमें की बच्चे हैं वो भी प्रधानमंत्री से संवाद कर रहे हैं। तो एक पूरा एक हम दे सकते हैं कि पूरा एक दृश्य है जिसमें कि बहुलता में जनजातीय समुदाय के लोग हैं, तमाम योजनाओं से लाभान्वित हैं वो, और एक बदलाव जो उन्होंने महसूस किया है पिछले कुछ वर्षों में उस बदलाव को वो प्रधानमंत्री के सामने बता रहे हैं, प्रधानमंत्री के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं और प्रधानमंत्री से कुछ वो जानना भी चाहते हैं, कुछ वो सीखना भी चाहते हैं, इसकी भी ललक देखने को मिल रही है, जो कि कई बार बात करते करते कई लोग प्रधानमंत्री से जब अपने भावनाएं शेयर करते हैं तो वो कहते हैं प्रधानमंत्री से कि हम इसको किस तरीके से और अच्छा कर सकते हैं, किस तरीके से हम और बेहतर कर सकते हैं। एक बात बड़ी अच्छी बात हुई, एक महिला ने बोला कि जब आप 27 तारीख को आने वाले थे और फिर आप नहीं आए तो हमें बड़ी मायूसी हुई, लेकिन आपने कहा था कि 1 तारीख को आएंगे और तब भी हमें मौसम को देखते हुए शंका आशंकाएं घेर रही थी, लेकिन आप आए, बहुत अच्छा लग रहा है हमको, बहुत हम उत्साहित हैं। तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं बिल्कुल फुल गारंटी देता हूं, मैं कोई झूठी गारंटी कभी भी नहीं देता, और सब उसमें ताली बजाने लगे। तो इस तरह का एक वातावरण भी है कि लोग बहुत सहजता से प्रधानमंत्री से अपनी जो उनकी वास्तविक जो भावनाएं हैं वो यहां पर लगातार शेयर कर रहे हैं, और ये क्रम लगातार जारी है और सभी लोग जो प्रधानमंत्री से बात करना चाहते हैं, अपने तमाम मुद्दे जो हैं, तमाम जो उनके जीवन में जो बदलाव आए हैं, उनके जीवन में जो पिछले कुछ वर्षों में जो परिवर्तन उन्होंने देखा है, चाहे वो जनजातीय क्षेत्र में रहा हो, चाहे वो ग्राम पंचायत के स्तर पे रहा हो या अपने शहर के स्तर पे रहा हो या देश के स्तर पे रहा हो,
ये चीज देखिए, ना सिर्फ यहाँ पर सिर्फ जनजाति अपने के स्तर की बात नहीं हो रही है, लोग ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस बदलाव को अपने गांव से लेकर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उन्होंने देखा है, महसूस किया है, राष्ट्रीय स्तर पे देखा है, महसूस किया है। और ये बड़ी बात है, देखिए जनजाति समुदाय में, जनजाति समुदाय के लोग जो है वो वनों में निवास करते हैं, गाँव में निवास करते हैं, और अधिकांश जो ये क्षेत्र है, ये जो शहडोल, सीढ़ी, उमरिया, ये जो क्षेत्र है, ये जनजाति बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे बैगा और यहाँ पर गोंड जनजाति के लोग बहुतायत में निवास करते हैं। और जिस तरीके से देखिए वो इस फर्क को महसूस कर रहे हैं, वो फर्क जो है प्रधानमंत्री के साथ शेयर कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री देखिए इस समय बच्चों से बात कर रहे हैं, और जो फुटबॉल के जो खेलने वाले जो बच्चे हैं उनके पास वो इस समय गए हैं। साथ ही यहाँ पर कुछ जो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने की परफॉर्मेंस दी थी, जो परफॉर्म लगातार कर रहे थे, उनसे भी पास वो जाकर वो संवाद कर रहे हैं। अभी वो फुटबॉल की एक प्लेयर है, उनसे वो संवाद कर रहे हैं, उनके अनुभव वो जान रहे हैं कि किस तरीके से वो फुटबॉल क्रांति से जुड़ी हैं, और फुटबॉल क्रांति जो है उसके बाद से क्या परिवर्तन उनके जीवन में आया है, उन्होंने फुटबॉल खेलना कैसे शुरू किया, कहाँ से प्रेरणा मिली, और पूरे क्षेत्र में इसका क्या असर हुआ है, ये बड़ी बात है। देखिए जनजाति समाज में कहीं ना कहीं एक फुटबॉल एक बहुत मेहनतकश लोग होते हैं, और वो किसी भी काम से वो पीछे नहीं होते हैं, और जो बच्चे होते हैं कहीं ना कहीं बीच में एक नशे की भी आदत फैलने लगी थी इस यहाँ पर। పనేసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్స్ ప్రతి సామాన్యుడికి అందుబాటులో అంతర్జాతీయ వైద్య ప్రమాణాలతో వైద్యం, 24 గంటల అంబులెన్స్ సర్వీసుతో పాటు అత్యవసర సేవలతో ఏర్పాటైన చికిత్స విభాగం. మా దగ్గర గుండె సంబంధిత మూత్రపిండ, కాలేయ, కంటి జబ్బులకు మోకాళ్ళ శస్త్రచికిత్సతో పాటు కోవిడ్ 19, బ్లాక్ ఫంగస్ వంటి వైరస్లకు, అన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు నమ్మకమైన అత్యాధునిక వైద్య చికిత్సను అందిస్తున్న హాస్పిటల్ పనేసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్స్. మీ ఆరోగ్య సమస్య ఏదైనా ఇప్పుడు పరిష్కారం సాధ్యం. సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కోసం సంప్రదించండి పనేసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్స్, ఆపోజిట్ బీరంగూడ కమాన్, ఆర్సీపురం, సంగారెడ్డి డిస్టిక్ట్, పిన్కోడ్ 502032. సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నెంబర్ 08455241777 మరియు 7893757770. ఆస్పాస్ కే ఇలాకో మే తో ఫుట్బాల్ నే ఏక్ బడా రోల్ ప్లే కియా హై బచ్చో కో, हम यहाँ के लोगों को एक सही राह देने में, सही दिशा देने में, और यहाँ पर जो फुटबॉल क्रांति जो है वो अब यहाँ पर पूरे क्षेत्र में एक आंदोलन बन गई है, और कई बड़ी संख्या में जो जनजाति समाज के जो बच्चे हैं जो खेलना चाहते हैं उनको लगातार प्रोत्साहन मिल रहा है। कई कॉरपोरेट भी उनको मदद कर रहे हैं, सीएसआर के तहत, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत भी कई जो कॉरपोरेट सेक्टर यहाँ काम करते हैं वो भी इनको मदद कर रहे हैं, और लगातार जो है ये क्रम जारी है। तो देखिए प्रधानमंत्री का जो संवाद है वो ये है कि किस तरीके से ये बच्चे जो है यहाँ पर फुटबॉल खेलना शुरू किए हैं। इसमें देखिए बड़ी बात ये है कि इसमें लड़कियां बड़ी बड़ी संख्या में है, बालिकाएं बड़ी संख्या में है, और वो जो है लगातार जो है ये जो क्लब है जिनको फुटबॉल क्रांति क्लब नाम दिया गया है उससे जुड़ी हुई हैं, और उसमें वो अपना एक बड़ा प्लेयर बनने की कोशिश में है, वो लगातार वो खेल रही हैं जी, और ये क्रम देखिए लगातार जारी है। प्रधानमंत्री अभी बात कर रहे हैं फुटबॉल खिलाड़ियों से, और उनके अनुभव वो जान रहे हैं, उनके उनकी परिस्थितियां जान रहे हैं, उनके घर में किस तरीके से वातावरण है, किस तरीके से उनके घर में उनके माता पिता क्या करते हैं, किस तरीके से उनको प्रेरणा मिलती है, तो वो क्या सोचते हैं सरकार के बारे में, वो क्या सोचते हैं तमाम योजनाओं के बारे में, वो किस तरीके से देखते हैं ये तमाम जो बदलाव चल रहे हैं, तमाम विकास के कार्य चल रहे हैं, उसको वो उनसे जानना चाह रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, और वो भी खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। तमाम जो खिलाड़ी हैं, तमाम जो प्लेयर्स हैं फुटबॉल के वो अपनी बातें रख रहे हैं, खेल के साथ साथ वो अपना जो है पढ़ाई के बारे में भी बता रहे हैं कि वो किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, किस तरीके से वो पढ़ाई भी कर रहे हैं और खेल कूद में भी वो आगे रहना चाहते हैं, तो दोनों चीजें किस तरीके से वो सामंजस्य बिठाकर काम कर पा रहे हैं इसकी भी चर्चा जो है प्रधानमंत्री से वो कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री से वो कुछ बच्चे सवाल भी कर रहे हैं और पूछ भी रहे हैं कि जीवन में आगे कैसे बढ़ना चाहिए, किस तरीके से हम और अच्छा कर सकते हैं,
तो ये तमाम चीजें जो हैं लगातार चल रही हैं और प्रधानमंत्री बहुत ही सहज भाव से सभी से संवाद यहाँ पर कर रहे हैं लगातार। जी अजीत, अगर देखा जाए तो खेलों को बढ़ावा दे तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते ही हैं। वो खुद कहते हैं कि खेलोगे तो खेलोगे, तो ऐसे में जो खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद हैं, जो बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल क्लब से जो आए हैं प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए, उनमें तो उत्साह होगा ही, लेकिन साथ ही जो अन्य वर्ग से लोग जो शामिल हो रहे हैं इस पूरे संवाद में, उनकी तरफ से क्या कुछ रिएक्शन अभी देखने को मिल रहा है पीएम को अपने पास देख करके, उनसे बात करके? देखिए, अभी जो दृश्य हम देख पा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार संवाद कर रहे हैं और ये कार्यक्रम चल रहा है प्रधानमंत्री के संवाद का, और तो प्रधानमंत्री जो है अभी जो भी देखिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं, खासतौर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ा है, और हमने देखा है कि समाज के तमाम क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण की हमको कई मिसाल देखने को मिली है। तो यहाँ पर भी महिलाएं जो है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वसहायता समूह ने एक बहुत बड़ा एक संबल दिया है महिलाओं को, उनको आगे बढ़ने में, उनको आत्मनिर्भर होने में, उनको सक्षम होने में, उनको मजबूती देने में और उनको एक आत्मविश्वास बढ़ाने में। सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है बिल्कुल, और महिलाएं अब घूंघट ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं जो है कह सकते हैं हम कि घर की चार दीवारी से अब बाहर आकर कंधे से कंधा मिलाकर परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही हैं। और ये तस्वीर हमें आज ये संवाद में देखने को मिल रही है कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो किस तरीके से, और खास तौर पे जनजाति समाज की महिलाएं जी, वो किस तरीके से सशक्त हुई है, किस तरीके से मजबूत हुई है, और ना सिर्फ आर्थिक रूप से, देखिए आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत बड़ी बात हम नहीं कह सकते कि बहुत बड़ी बात है, हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में तो है ये, लेकिन जो उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस आया है, जो उनके अंदर जो आत्मविश्वास आया है, वो एक बड़ी बात है। और जब हमने बात करी थी यहाँ पर प्रधानमंत्री से संवाद के पहले महिलाओं से, तो उनका यही कहना था कि देखिए हम कुछ दिन पहले हम घर की चार दीवारी से बाहर निकलने में भी हमें डर लगता था, संकोच लगता था, हिचक होती थी, लेकिन आज हम समाज में, परिवार में कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान दे पा रहे हैं, अपनी जो क्षमता है उसके अनुसार हम काम कर पा रहे हैं, हम आत्मनिर्भर ही बने ही हैं, साथ ही हमने अपने परिवार को भी आत्मनिर्भर बनाने की तरफ हमने प्रयास किया है, कोशिश की और आत्मनिर्भर बनाया भी है। देखिए कई ऐसे छोटे छोटे उदाहरण यहाँ पर आसपास के क्षेत्रों में हैं कि महिलाओं ने खुद से मेहनत करके, स्वसहायता समूह के माध्यम से जुड़कर बड़ी लगन से मेहनत करके आज वो लखपति बनी है, यानी कि वो लाखों रुपए जो है वो अर्जित कर रही हैं और परिवार के आर्थिक हम कह सकते हैं कि एक योगदान वो दे रही हैं, जो कि जनजाति समाज है, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत मुश्किल होता है। हमने अक्सर देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं जो होती हैं वो सिर्फ घर के काम ही ज्यादा उनको प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन अब महिलाएं घर से बाहर निकली हैं और एक अलग मॉडल हम देख पा रहे हैं कि महिलाएं घर की जिम्मेदारी के साथ साथ परिवार की जो दूसरी जिम्मेदारियां हैं, जो कि पहले माना जाता था कि पुरुष ही उसमें निभा सकता है, उस पर भी वो बढ़ चढ़कर सामने आ रही हैं, उसको भी वो उठा रही हैं। जनजाति देखिए यहाँ पर जो पेशा एक्ट है उससे जुड़े लोग हैं, उससे लाभान्वित लोग हैं, जो कि पेशा जो एक्ट है वो जनजाति बहुल क्षेत्रों में लागू है, उसके भी प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं, वो भी प्रधानमंत्री से संवाद कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें पहले पेशा एक्ट नहीं होने के कारण जी उन्हें तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, उन्हें छोटी छोटी चीजों के लिए बड़े शहरों की तरफ भागना पड़ता था, छोटे छोटे विवाद हों, छोटे छोटे मुद्दे हों, वो हल करने के लिए उन्हें बहुत परेशानी होती थी उन्हें, लेकिन एक तरीके से अब उन्हें स्व अधिकार मिला है, एक तरीके से उन्हें उनके क्षेत्र को एक अधिकार मिला है कि वो अपने स्तर पर, अपने क्षेत्र में, अपने लोगों के बीच में अपनी छोटी छोटी समस्याओं का निराकरण वो कर सकते हैं, अपने छोटे छोटे जो विवाद है उसका निराकरण कर सकते हैं, जमीन संबंधी, भू संबंधी देखिए मामले बहुत सारे होते हैं जनजाति क्षेत्रों में, उसको भी अब वो आसानी से सुलझा पा रहे हैं, उसका भी अब वो आसानी से निराकरण कर पा रहे हैं। तो एक बड़ा बदलाव देखिए पेशा एक्ट के आने के बाद से देखने को मिला है और उसकी तस्वीर यहाँ दिखाई दे रही है। जब उससे लाभान्वित लोग जो है प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं तो वो अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से पेशा एक्ट के माध्यम से उनको क्या राहत मिली, क्या उनका काम था और जिसकी उन्हें आसानी हुई है, और ये बदलाव जो है वो पिछले कुछ वर्षों में ही महसूस कर पाए हैं। हालांकि लंबे समय से मांग जो है देश में चल, जो जनजाति क्षेत्र है मध्य प्रदेश में वहां भी चल रही थी, लेकिन अब पेशा एक्ट की बहु प्रशिक्षित मांग जो है वो पूरी हुई है और उसका धन्यवाद देते हुए यहाँ पर लोग प्रधानमंत्री को दिखाई दे रहे हैं। साथ ही यहाँ पर जो
अन्य जनप्रतिनिधि हैं जो कि तमाम क्षेत्रों में जनप्रतिनिधित्व करते हैं, वो भी यहाँ पर आए हैं और वो भी अपने संस्मरण बता रहे हैं कि किस तरीके से वो राजनीति में आए, किस तरीके से वो पंचायत में आए, पंचायत किस तरह से बने या वो प्रधान बने या वो ब्लॉक लेवल पे वो चुनकर आए, वो भी अपनी कहानी बता रहे हैं, वो भी अपनी अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर लगातार जो बच्चे हैं वो काफी उत्साहित दिख रहे हैं यहाँ पर, और बच्चे लगातार जो है प्रधानमंत्री से, जो फुटबॉल प्लेयर वाले जो बच्चे हैं वो प्रधानमंत्री से लगातार संवाद कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से लगातार बात कर रहे हैं और अपने अनुभव जो है वो साझा कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री भी देखिए पूछ रहे हैं कि कोई और लगातार सबको बोलने का मौका दे रहे हैं, वो लगातार वो लोगों को कह रहे हैं कि इससे और कोई बोलना चाहता है तो जो व्यक्ति थोड़ा झिझक भी रहा है तो वो भी उठकर सीधे अपनी बात कह पा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री की कोशिश है कि लोग बहुत सहजता से उनसे संवाद करें, बहुत सहज हो जाए, और वो कह भी चुके हैं कि आप बिल्कुल बिल्कुल सहजता से बात कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। तो वही दृश्य यहाँ पे देखने को मिल रहा है और लोग लगातार प्रधानमंत्री से तमाम मुद्दों को लेकर लगातार संवाद कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। जी शेखर जोशी बोल रहा हूँ। ये ने अभी कुछ देर पहले जब वहाँ पर सभा को संबोधित किया, उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से जो विपक्षी दल हैं वो बार बार आपके बीच में आएंगे, आपको झूठी गारंटी देंगे, ये सब प्रधानमंत्री ने वहाँ पर कहा। उन्होंने भारत में पहली जनजातीय राष्ट्रपति बनाने की भी उन्होंने वहाँ पर बात कही। तो इन सब मामलों को अगर हम देखें तो आज की ये जो मुलाकात है ये कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया को लेकर भी प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने इसको लेकर के कुछ नहीं किया, जो बीजेपी की सरकारें हैं वो इसको लेकर के कदम उठा रही हैं। तो आज की ये जो मुलाकात है, ये जो बातचीत है, ये इन सब के परिप्रेक्ष्य में कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? जी बिल्कुल, देखिए चंद्रशेखर, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि देखिए सिकल सेल एनीमिया जो बीमारी है आप इसकी भयावहता समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में ही करीब 15 लाख से ज्यादा इसके मरीज यहाँ पर हैं। बहुत ज्यादा जागरूकता नहीं है इस बीमारी को लेकर, बहुत ज्यादा यहाँ पर जो क्योंकि जनजाति समाज के लोगों को ज्यादा ये बीमारी होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये ट्रांसफर होती रहती है। प्रधानमंत्री ने देखिए जब यहाँ पर उदाहरण दिया तमाम विषयों पर, जब उन्होंने कहा है कि कोई जब सस्ती बिजली का वादा करता है तो कहीं ना कहीं वो बिजली का बिल महंगा करने वाला है, अगर कोई सस्ते अनुरागानिकि अम्म आदर्शम आरोग्यानिकि श्री साई होमियो स्पोर्ट्स एंड क्लिनिक अनुभवम अर्हत अंकित भावम कल डाक्टर्लची चिकित्स అన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు నమ్మకమైన ఎంపిక శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్ డయాబెటీస్ కీళ్ళ నొప్పులు సయాటికా వెన్నుముక సమస్యలు థైరాయిడ్ నిద్రలేమి మానసిక సమస్యలు ఋతు సమస్యలు అన్ని రకాల దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు ప్రత్యేక హోమియో వైద్యం అందరికీ అందుబాటులో అంతర్జాతీయ హోమియో వైద్యం శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్ మీ ఆరోగ్య సమస్య ఏదైనా ఇప్పుడు పరిష్కారం సాధ్యం సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేని వైద్యంతో సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కొరకు సంప్రదించండి శ్రీ సాయి హోమియో క్లినిక్ అండ్ స్టోర్స్ భవానీ నగర్ అంబేద్కర్ నగర్ రోడ్ ఓల్డ్ అల్వాల్ సికింద్రాబాద్ సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్స్ 9000751751 మరియు 9000422525 अगर रोजगार का वादा करने वाला है तो कहीं ना कहीं कुछ दूसरी चीजों पर वो गड़बड़ करने वाला है। तो मुझे उन्होंने पूरा उदाहरण दिया है कि तरीके से जब तमाम उन्होंने बताया कि जो मुफ्त की जो चीजें होती हैं उसको कहीं ना कहीं उसका पे समाज को या हमें करना ही होता है किसी दूसरे रूप में। देखिए ये बहुत बड़ा एक संदेश था कि देखिए मुफ्त में कुछ भी नहीं होता है और इसको एक पे करना होता है। और जो दूसरी पार्टियां हैं हमेशा जब चुनाव के समय देखिए वो तमाम लोक लुभावन वायदे जो हैं वो किए जाते हैं। और इस समय देखिए मध्य प्रदेश की स्थिति भी ऐसी है कि यहाँ पर जैसे चुनाव अभी आगामी चुनावों को देखते हुए लगातार बड़े बड़े वादे जो है तमाम पार्टियां कर रही हैं। हम कांग्रेस की बात करें, आपकी बात करें, दूसरी पार्टियों की बात करें, तो लगातार ऐसे वादे किए जा रहे हैं जो कि लगभग पूरा करना असंभव है। लेकिन चुनाव के ये तमाम वादे जो है किए जाते हैं, तमाम चीजें की जाती हैं और उसको प्रधानमंत्री ने लोगों से को संबोधित करते हुए बताने की कोशिश की है कि आप इस झांसे में ना आए, आप जो है पक्की गारंटी की तरफ आप यकीन करें। उन्होंने दो बार इस चीज को दोहराया है। उन्होंने वहां पर लालपुर में जब वो संबोधित कर रहे थे सभा को तो उन्होंने बकायदा आयुष्मान कार्ड को मंगवा कर उसको दिखाकर उसमें लिखा है कि 5 लाख की पक्की गारंटी, उन्होंने बकायदा उसको दिखाया पढ़ के कि देखिए 5 लाख की पक्की गारंटी और
हम पक्की गारंटी देते हैं कोई भी चीज की, हम झूठे वादे नहीं करते हैं, हम कोई भी चीज ऐसे ही नहीं कहते हैं, तथ्यों के आधार पर कहते हैं। ये एक बड़ा मैसेज था और यहाँ पर भी उन्होंने ये बात को दोहराया जब वो यहाँ पर पकरिया में आए, वो तो जब संवाद के समय जब महिलाओं से संवाद कर रहे थे वो यहाँ पर, तो एक महिला ने उनसे ये कहा कि जब आपका 27 तारीख को मौसम बिगड़ने कारण आना, जब आगे जब आपका प्रवास हुआ उस समय आप नहीं आ पाए, जब पोस्टपोन हुआ तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक आशंका थी कि आप आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। तो प्रधानमंत्री ने फिर एक बार को दोहराया कि हम पक्की गारंटी देते हैं, हम यूं ही वादे नहीं करते हैं, और मैंने कहा था पक्की गारंटी है मैं आऊंगा तो मैं इसीलिए मैं आया हूँ। तो देखिए एक संदेश देने की कोशिश की है प्रधानमंत्री ने कि जो प्रधानमंत्री हैं उनकी जो बात होती है वो सत्य होती है, और जो वो बात कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और इसका उदाहरण हमने पिछले कुछ वर्षों में हमने लगातार देखा है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने तमाम तरह के जो जिन योजनाओं की घोषणा की थी उस योजनाओं को 100% उन्होंने जमीन पे उतारा है, 100% उन्होंने उस योजना को। मैं आपको जानकारी दे दूं चंद्रशेखर की प्रधानमंत्री का संवाद का कार्यक्रम यहाँ पर लगभग समाप्ति की ओर है। अब प्रधानमंत्री जो हैं वो जनजाति समुदाय के जो लोग हैं उनके साथ यहाँ पर वो जाएंगे, यहाँ पर वो भोजन के लिए यहाँ पर उनके व्यवस्था की गई है। और देखिए एक बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जनजाति समुदाय के जो तमाम लोग हैं उनके साथ यहाँ बैठ के वो यहाँ पर भोजन करेंगे, उनके साथ वो जो यहाँ का जो लोकल फूड है, यहाँ का जो जो कोदो कुटकी है, यहाँ का ज्वार बाजरा मक्का जो है, यहाँ का जो अमरू जो है उसका पना है, यहाँ पर बेल के शरबत का पना उनके लिए रखा गया है, यहाँ पर ज्वार बाजरे की रोटी रखी गई है, बाजरे का सूप रखा गया है, और एक इंद्रहार कढ़ी जो है विशेष तौर पे बनाई गई है जो कि इस क्षेत्र में हम कहें विंध्य क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है। तो तमाम लोकल फूड बनाया गया है। इसमें देखिए मिलेट की बहुत अधिकता है और मिलेट जो है यहाँ का जो स्थानीय फूड जो है वो पहले से ही रहा है यहाँ पर। मिलेट जो है वो यहाँ के जो क्षेत्र है वहाँ पर मिलेट जो है लगातार लोग उपयोग करते रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री के सामने कुछ प्रस्तुतियां यहाँ पर दी जा रही हैं, जनजाति जो कलाकार हैं उनके द्वारा यहाँ पर यहाँ के जो नृत्य हैं वो प्रस्तुत किए जा रहे हैं, और इसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर फिर आगे वहाँ पर जाएंगे और प्रसंग करेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने जो संदेश देने की कोशिश की है लालपुर के मैदान से, उन्होंने तमाम स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि मेरी गारंटी जो होती है वो पक्की होती है। तो एक बड़ा संदेश है प्रधानमंत्री ने दिया है कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसको करते हैं, सरकार जो कहती है वो करती है, और इसका परिणाम हमने पिछले कुछ वर्षों में लगातार हमने देखा है कि किस तरीके से तमाम जो योजनाओं के माध्यम से एक बड़ा परिवर्तन जो है समाज में देखने को मिला है। और ये संदेश प्रधानमंत्री ने दिया है, और उन्होंने निशाना भी साधा है अन्य जो विरोधी दल है उनके ऊपर कि वो जब कहते हैं तो किस तरीके से वो चीजों को वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करते हैं, और आगे उसका नुकसान किस तरीके से समाज को देश को होता है, और वो कहीं ना कहीं उसमें छुपे रूप से बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो कि पता नहीं होती और वो नुकसान बाद में देती है। तो उन्होंने सिलसिलेवार तमाम चीजों का जिक्र किया, उन्होंने बताया कि ये जो तमाम चीजें हैं वो किस तरीके से आगे चलकर जो है वो समाज को देश को या आपको या आम व्यक्ति को जो है नुकसान पहुंचाती है। और इसलिए प्रधानमंत्री ने ये बड़ा संदेश आज लालपुर जो है शहडोल की धरती से दिया है, जनजाति समुदाय ही नहीं पूरे देश को दिया है कि जो वर्तमान सरकार है वो जो कहती है वो 100% करती है, और वो देश समाज और राष्ट्र के लिए लगातार उसके विकास के लिए प्रयासरत है, उसके विकास को लेकर आगे काम कर रही है, और तमाम जो अन्य दल हैं वो कहीं ना कहीं राष्ट्र की भावना उनके अंदर उतनी नहीं दिखाई देती है राष्ट्र के विकास को लेकर, वो सिर्फ अपना फायदा अपना लाभ और त्वरित फायदा और पॉलिटिकल माइलेज जो होता है पॉलिटिकल जो बेनिफिट होता है उसके लिए ये तमाम चीजें की जाती हैं। और एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री ने यहाँ पर दिया है। अभी मैं सुन पा रहा हूँ यहाँ पर कि ये प्रधानमंत्री यहाँ पर देख रहे हैं, तमाम यहाँ पर प्रस्तुतियां यहाँ पर चल रही हैं, प्रधानमंत्री यहाँ पर जो जनजाति समाज है वो यहाँ पर लोक नृत्य जो है वो प्रस्तुत कर रहा है, और प्रधानमंत्री बड़े ही उत्साहपूर्वक बड़े जिज्ञासा से लोक नृत्य का लुत्फ यहाँ पर उठा रहे हैं। साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी उनके साथ में हैं, और जनजाति समाज से उनका संवाद का कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ पर अजीत यहाँ पर चल रही है। अजीत यहाँ पर एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे, कल जब वहाँ पर तैयारियां चल रही थी वहाँ से जो रिपोर्ट हमारे पास भेजी गई थी हमारे संवाददाताओं की ओर से, स्थानीय लोगों का वहाँ पर ये कहना था कि ये एक ऐसा इलाका है
जहां अभी तक कोई जो स्थानीय नेता तक भी यहां पर नहीं आते थे और यहां पर आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो ये जो अपने आप में एक कहीं ना कहीं उनकी भावना को दर्शाता था, और उसी भावना को अगर हम आपसे जानना चाहें तो किस तरह का उत्साह, किस तरह का जो भावना है लोगों की, वो आपने देखी प्रधानमंत्री के आने को वहां पर लेकर? बिल्कुल चंद्रशेखर, देखिए वो जो इंटरव्यू था वो मैंने ही लिया था एक गांव में जाकर। एक व्यक्ति से मैंने बात की थी, कई व्यक्तियों से बात की थी, तो एक व्यक्ति ने स्फूर्त होकर अपनी भावनाएं व्यक्त की कि यहां पर तो कोई छोटा मोटा नेता भी कभी नहीं आता था, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो हम क्या कहें, हमारे पास शब्द नहीं है हमारे पास कहने को, क्योंकि हम इतने आह्लादित हैं, हम इतने भावों में हैं, हम इतने इतना अच्छा महसूस कर रहे हैं और उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। देखिए 27 तारीख को भारी बारिश हो रही थी, 27 जून को प्रधानमंत्री का यहाँ कार्यक्रम था। देखिए प्रधानमंत्री ने अगर ने कहा है तो वो जरूर आएंगे, ये विश्वास हमको देखने को मिला, जो कि हम लगातार पिछले कुछ दिनों से यहीं पर हैं, आसपास से गांवों का हम दौरा कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं, तो लोगों का यही कहना था कि प्रधानमंत्री यहां पर इस जगह पर आ रहे हैं, उन्होंने इस जगह की सुध ली, ये बड़ी बात है। देखिए बहुत सारे क्षेत्र हैं और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि बहुत बड़ी बात थी कि जनजातीय समाज में, गाँव में लोग इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि अब जी अजीत चीज का विकेंद्रीकरण हुआ है, हर बड़ी चीज देखने भी पहले की। अजीत थोड़ा सा दिक्कत आ रही है आपकी आवाज यहाँ पर पहुंचने में, आप थोड़ा सा अपनी लोकेशन वहाँ पर चेंज करने की कोशिश कीजिए, हो सकता है वहाँ पर कोई इंटरनेट नेटवर्क की वहाँ पर दिक्कत हो। जी जी, और जी, आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। स्पीच जी शंकर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं कह रहा था कि लोगों ने ये स्वीकार किया है कि पहले नई दिल्ली में सभी चीजें होती थी, नई दिल्ली केंद्रित होती थी, लेकिन अब पिछले कुछ वर्षों में चीजों का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है। अगर हम बात करें तो आयुष्मान कार्ड योजना की शुरुआत रांची से हुई है, प्रधानमंत्री फसल बीमा और प्रधानमंत्री सीहोर से मध्य प्रदेश से हुई है, इस ऐसी तमाम उदाहरण है कि तमाम जो योजनाएं हैं देश के कोने कोने से लॉन्च की जाती हैं। आज सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारी के उन्मूलन का जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है वो शहडोल आदिवासी जो जिला है, आदिवासी बहुल जिला है, वहां से उसको लॉन्च करना भी बड़ा संदेश है लोगों को कि अब दिल्ली ही सब कुछ नहीं है, पूरा देश ही सब कुछ है। और एक तरीके से एक संदेश लोग इस चीज को महसूस भी कर रहे हैं कि ये जो कार्यक्रम छोटे छोटे होते हैं क्षेत्रों में तो लोगों को एक बदलाव का एहसास भी होता है। और प्रधानमंत्री जैसी शख्सियत जब उनके पास में, उनके गाँव में आते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, तो उसको वो सोचकर ही बड़े उत्साहित रहते हैं कि प्रधानमंत्री आएंगे, हम उनसे बात करेंगे, हम उनसे देखिए यहाँ पर बीच में काफी बारिश हो रही थी, काफी उमस थी यहाँ पर पूरे क्षेत्र में, बावजूद उसके हमने देखा है कि लोगों का उत्साह यहाँ बना हुआ था। लोग जो यहाँ जो प्रधानमंत्री से बात करने वाले लोग थे, उनसे मिलने वाले लोग थे, वो लगातार यहाँ पर उत्साहित थे, लगातार वो इस चीज की पूछ पड़ताल करते थे कि प्रधानमंत्री इंतजार करते थे कि एक तारीख कब आएगी और प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे, वो उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे। मैं आपको आज सुबह का वाक्य बताता हूँ, हम सुबह से यहाँ पर हैं, तो कई लोग जो यहाँ पर थे तो यहाँ वो उनका ये कहना था कि हम 27 तारीख जब से प्रधानमंत्री के आने की सूचना हमको हुई है उसके बाद से हमारा एक एक दिन हमारा बीतना मुश्किल हो रहा है और हमें लग रहा है कि कब प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे हमारे गांव में, हमारे हमारे क्षेत्र में, और हम उनसे मुखातिब होंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे अपने अनुभव शेयर करेंगे, उन्हें देखेंगे, उनको देखने की एक बड़ी जिज्ञासा हमको दिखाई दी लोगों में, उनसे बात करने की जिज्ञासा लोगों में दिखाई दी, बहुत ज्यादा उत्साह दिखाई दिया उनसे बात करने को लेकर, उनको देखने को लेकर। और उनको कई लोग तो ये कह रहे थे कि हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है कि प्रधानमंत्री हमारे गांव में आ रहे हैं और हमसे वो मिलेंगे, हमसे बात करेंगे, हमें लग रहा है कि कोई हम सपना सा देख रहे हैं। जब हमने कुछ महिलाओं से बात की तो उनका कहना था कि हमें ये सब सपना सा महसूस हो रहा है, लेकिन ये सपना बहुत जल्दी सच होने वाला है और आज उनका ये सपना सच हो गया है। और देखिए बहुत ही सहजता से लोग प्रधानमंत्री को लगातार वो देखते सुनते रहते हैं। कई लोगों ने कहा कि अभी तक हम टीवी पे देखते आए प्रधानमंत्री को, लेकिन अब हम उन्हें साक्षात सामने देखेंगे, तो ये भाव हम बयां नहीं कर सकते, ये हम इमोशंस हम बयां नहीं कर सकते, हम आपको बता नहीं सकते कि कितने खुश हैं। तो इस तरीके से देखिए तमाम जो लोग हैं वो इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि सरकार जो है
अब उनके पास तक पहुंची है, उनके द्वार तक पहुंची है, उनके गांव तक पहुंची है, और सरकारी योजनाएं उनके द्वार तक पहुंची है, उनके गांव तक पहुंची है, उनके पास तक पहुंची है, और प्रधानमंत्री खुद उनके पास तक पहुंचे, तो एक बड़ा संदेश है कि अगर प्रधानमंत्री उनके पास तक पहुंच चुके हैं तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। कोई भी ऐसी चीज जो कि उनके हित में हो, उनके उनके विकास के लिए हो, वो कोई भी नामुमकिन नहीं है। और ये एक कह सकते हैं कि संदेश जो है उन्होंने महसूस किया है ग्रामवासियों ने, यहाँ के आसपास के लोगों ने, ग्रामीणों ने। और इस देखिए, हमने जब कलाकारों से बात की तो कलाकार जो ग्रामीण क्षेत्र में जनजाति कलाकार हैं, जो कि लगातार अपनी परफॉर्मेंस देते रहते हैं, जनजाति समाज से आते हैं, वो बड़े उत्साहित दिखे हमें, बड़े वो जोश में दिखे कि आज हमने तो बहुत सारी ऐसी प्रस्तुतियां दी हैं, लेकिन आज हम प्रधानमंत्री जी के सामने हम अपनी प्रस्तुति देंगे, इससे बड़ा हमारे लिए गौरव का पल कोई भी नहीं हो सकता। और ये हमने तमाम कलाकारों से बात करी, इसमें महिला पुरुष तमाम थे, तो उन्होंने इस बात को कहा और इस अपनी जो भावनाओं को हमारे साथ शेयर किया, और इस चीज को उन्होंने कहा है कि आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है कि जब हम प्रधानमंत्री के सामने अपनी प्रस्तुति देंगे। और वो पल अभी सामने चल ही रहा है कि तमाम कलाकार जो है वो प्रधानमंत्री से साथ अपनी प्रस्तुतियां जो है यहाँ पर दे रहे हैं। अजीत, प्रधानमंत्री का जनजातीय समुदाय के साथ भोज का भी कार्यक्रम है, और जैसा कि प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट की शुरुआत की है, और जिस तरह से मिलेट्स को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है, और मिलेट्स की अगर हम बात करें तो जनजातीय समाज के साथ खासा लगाव है मिलेट्स का, तो जैसा कि आप बता रहे थे, किस तरह के भोजन की वहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं? देखिए, यहाँ पर बिल्कुल परंपरागत भोजन यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर जो भोजन बनाया गया है वो बिल्कुल यहाँ का जो ग्रामीण परिवेश है उसके अनुसार बनाया गया है, क्योंकि लगातार यहाँ पे जो लोग उपयोग करते रहे हैं वो यहाँ पर बनाया गया है। इसमें यहाँ पर देखिए जो मिलेट्स हैं, यहाँ पे ज्वार, बाजरा, मक्का, और जो यहाँ पर कोदो कुटकी और महुआ जो है उसका उपयोग यहाँ पर किया गया है। और देखिए, और कोशिश की गई है कि जो यहाँ पे स्थानीय समुदाय जो भोजन लेता है, जो भोजन करता है और आज से नहीं सदियों से उसका उपयोग करते आया है, उसको वो प्रधानमंत्री के सामने वो परोसा जाए, वो बनाया जाए और उनको वो चीज खिलाई जाए। और इसको लेकर देखिए यहाँ पर जो है आपको जो स्थानीय पेय है जो कि बेल का शरबत है वो उनके सामने पेश किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो अमरू एक फल होता है उसका जो है शरबत यहाँ पर बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आम का और पना जो है ये यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है, वो प्रधानमंत्री के लिए बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो कोदो की खीर बनाई गई है, देखिए कोदो बहुत एक मिलेट है, वो बहुत स्वादिष्ट होता है और ये यहाँ पर उसकी खीर जो है विशेष तौर पे बनाई गई है। साथ ही ज्वार और बाजरे की रोटी, ज्वार और मक्के की रोटी और बाजरे का सूप जो है वो विशेष तौर पे प्रधानमंत्री के लिए यहाँ पर तैयार किया गया। तो कुल मिला के देखिए ये जो एक इंद्रहार कढ़ी, मैं आपको बताऊँ, इंद्रहार कढ़ी यहाँ पर बनाई जाती है, जो विंध्य का क्षेत्र है यहाँ पर इंद्रहार कढ़ी जो है वो काफी प्रसिद्ध है और ये परंपरागत एक भोजन है, तो वो उसको भी विशेष तौर पर प्रधानमंत्री के लिए यहाँ पर बनाया गया है। तो कुल मिला के कोशिश की गई है कि देखिए चंद्रशेखर, हम बात करते हैं मिलेट ईयर की, बात करते हैं हम मिलेट को आज वर्ल्ड लेवल पर प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन देखिए ये जो क्षेत्र है ये सदियों से मिलेट का उपयोग करता रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें, जनजाति समाज जो है सदियों से मिलेट का उपयोग करता रहा है, मोटे अनाज का उपयोग करता रहा है, वो उनकी जीवन शैली का हिस्सा रहा है। और శ్రీ అవధూతాశ్రమము బోధానంద సత్యారామూర్తి ఆర్యుల గోసేవాశ్రమము మరియు వృద్ధాశ్రమము పడాల ఆశ్రమములో గోసేవ, గోవుల దానము స్వీకరించుట, మీ నవగ్రహ దోషములు పోవుటకు గోపూజ చేయబడును, మూలికా వైద్యము, గోపంచగవ్య వైద్యము చేయబడును, యంత్రములు, తావీదులు ఇవ్వబడును, శాంతి హోమములు చేయబడును, మీ ఆత్మీయుల పుట్టినరోజు, పెళ్లి రోజు మరియు వర్ధంతి వంటి ముఖ్యమైన దినములలో గోసేవ లేదా అన్నదానం చేయదలచిన వారు సంప్రదించండి. మా వృద్ధాశ్రమంలో ఖాళీలు కలవు, చేరదలచిన వారు సంప్రదించండి. శ్రీ 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 స్వామి బోధానందగిరి శ్రీ అవధూతాశ్రమము అయ్యప్ప స్వామి గుడి దగ్గర పడాల తాడేపల్లిగూడెం 2. సెల్ నెంబర్స్ 7981356374 9618036413 8